मेरे साथ बने रहिए मुकुल जी। हमारे साथ ओपी यादव सिंधु बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। ओपी यादव, धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। स्थिति क्या है, आपके जरिए हम समझना चाहते हैं क्या तनावपूर्ण स्थिति है, बहुत सारी नकारात्मक खबरें आ रही हैं। जी, सरकार से इनकी बीते कुछ दिन से लगातार सतत संवाद चल रहा था चंडीगढ़ में, केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ किसान संगठनों की लगातार बैठक हो रही थी, लेकिन जब भी बैठक की चर्चा टेबल पर आती थी उसके बाद ये किसान मुकुल जाते थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये टेबल पर बैठ कर वार्ता तो करना चाहते लेकिन इसका हल निकालने की मूड में नहीं है। और यही वजह है कि ये लगातार वार्ता होने के बाद सरकार ने इनकी अधिकांश मांगों को मान भी दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं पेच ऐसे अटका देते था कि ये वार्ता निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। और उसके बाद इन किसानों ने कूच किया है दिल्ली की तरफ, तो ये अभी हम लोग जो संघू बॉर्डर है अंबाला और अमृतसर कैंट के पास में यहाँ पहुंचे हुए, यहाँ किसान संगठन दिल्ली की तरफ आने की कोशिश करे, हालांकि पुलिस की चाक चौबंद यहाँ व्यवस्था की गई है। टोल प्लाजा पर भी किसानों ने कई लोगों के साथ बदतमीजी की, और जो टोल चलाने वाले कर्मचारी उनके साथ भी पैसा नहीं लेने और टोल के जो कर्मचारी है उनको टोल टैक्स नहीं वसूलने के लिए प्रेशर किया, हालांकि पुलिस की भी यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन किसान संगठनों ने कहा कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और सरकार से वहां पर सीधा बात करेंगे, लेकिन कुछ किसान संगठनों से और कुछ जो नेता है उनसे और इसके अलावा जो इनका मुख्य नेता जगदीश सिंह गल्लेवाल उनसे हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि सरकार हमसे बात करिए लेकिन हम पूरी मांगे मनवाने के बाद ही यहाँ से उठेंगे, लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि आपकी अधिकांश मांगों पर सरकार ने सहमति जताती है और बहुत सारी आपकी ऐसी मांगे हैं जो जायज नहीं है और प्रासंगिक नहीं है, तो उन पर आप क्यों इतने अड़े हुए, तो उनका कहना था कि हमारा एक संगठन है, हम अकेले व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकते, हमारे साथ और भी लोग, तो इससे जाहिर तौर पर पता चलता है कि पीछे कुछ ऐसी शक्तियां ऐसी ताकतें हैं जो राजनीतिक तौर पर इन लोगों को प्रोत्साहन कर रही है कि आंदोलन खत्म न हो, चुनावी फायदा ये लोकसभा चुनाव के नजदीक देख कर ये इसको आगे बढ़ाने। तो ये बताइए कि किसानों की तरफ से अंतिम फैसला लेगा कौन, आपने एक व्यक्ति का जिक्र किया, अगर वो कह रहे हैं कि केवल वो एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो किसानों की तरफ से कौन लेगा फैसला, क्या कोई समूह है जिसके साथ सरकार की बातचीत होगी, एक साझा प्रयास किया जाएगा, साझा समाधान निकलेगा, बातचीत किससे होगी? जी, पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें कई सारे ऐसे नए संगठन बन गए थे जो छोटी छोटी ग्रुप के, छोटे छोटे जिला स्तर के संगठन थे, तो इस बार इस आंदोलन में यह चीज भी देखने को मिल रही है कि हर जिला हर संभाग के स्तर पर किसानों ने अपने अपने संगठन बना रखे, तो इन संगठनों में बहुत सारे लोगों की आवाज है कि सरकार के साथ हमें तालमेल बेहतर तरीके से करना चाहिए, जब सरकार हमारी तरफ इतना संवेदनशीलता रख के बात करी तो हम क्यों नहीं इस बात को आगे बढ़ाएं, ताकि कम से कम जो मिल रहा है सरकार से उसको तो ले और आगे बढ़े, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनका आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या अन्य क्रांतिकारी संगठनों से संबंध है वो इसको टेबल पर नहीं आने देते। कितने किसान संगठन है जो इसका हिस्सा है ओपी, हम ये समझना चाह रहे हैं कितने किसान संगठन है, कोई संख्या है उनकी? जी, इसमें तकरीबन 50 संगठन ऐसे हैं जो अपने अपने स्तर पे छोटे छोटे बैनर लेके इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन ये हरियाणा और पंजाब के ही मुख्य किसान हैं, लेकिन इनमें जो 50 है इनमें मुख्य तकरीबन 12 से 13 संगठन ऐसे हैं जो प्रभावशाली, और बाकी संगठन छोटे छोटे समूह में अपने अपने जिला और संभाग स्तर के संगठन है जिनकी अपनी निजी राजनीति होती है और इनके संगठन फसलें उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ओपी, ये संगठन फिर सुन किसकी रहे हैं, कोई तो ऐसा सेंट्रल व्यक्ति होगा, केंद्रीय व्यक्ति होगा जिसको जो कम से कम आश्वासन देगा या उनको ये उनको संकेत देगा कि भाई अब हम लोग कूच करने वाले हैं, ये लोग किसी एक व्यक्ति या दो चार व्यक्तियों का एक समूह होगा जिसको सुनेंगे ना, जिसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, या फिर 50 लोग एक साथ अलग अलग मांगों को लेकर के आ जाएंगे? जी नहीं, इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बना रखा है संयुक्त किसान संगठन के नाम से जिसमें सभी जुड़े हुए हैं और ग्रुप में दिन भर ये चर्चा करते हैं और इनके जो मुख्य मुख्य नेता आपस में बातचीत करते हैं, उसके बाद ये निर्णय करते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, लेकिन इनकी अभी आमराय आपस में भी नहीं बन पा रही है और इसकी मुख्य वजह यह है कि जो सही मुद्दे उन पर सरकार इनके साथ है लेकिन बहुत सारे लोग इन मुद्दों को हल नहीं करने देना चाहते, जो मध्यम वर्गीय और छोटे दर्जे के जो किसान है वो कहते हैं कि सरकार ने हमारी मांगे मान रखी है और इन चीजों की सहमति बन रही है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए ना कि वार्ता को विफल करना चाहिए। तो इस आप कह रहे हैं कि साझे मुद्दे लोगों पर मुद्दों को लेकर के ही सहमति नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह कि जो डीजीपी साहब ने कहा कि आप जो बड़ी मशीनें लेकर के या फिर जो जेसीबीज लेकर के आ रहे हैं वो तो कानून का पूरी तरह से उल्लंघन है, उसको एक तरह से फ्रीज कर सीज करने की भी बात, जो आदेश जारी कर दिए गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं किसान संगठन कि जो मॉडिफाइड व्हीकल्स हैं, जेसीबीज हैं, जिनको लेकर के प्रदर्शन करने का कोई खास मकसद, खास मतलब बनता नहीं है, वो उसके पीछे की वो क्या वजह बता रहे हैं? जी, मेरी कुछ जो छोटे और मझोले स्तर के लघु किसान संगठन है उसके प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता उनसे मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से जेसीबी और ये मॉडिफाइड मशीनें मंगवाई गई उससे हम लोगों में आपस में कोई सहमति बनी नहीं है, उच्च स्तर के जो हमारे नेता हैं जिनको कहीं से बैकअप सपोर्ट मिल रहा है उन्होंने अपने स्तर पे एक मैकेनिज्म के तौर पर इन चीजों को हायर किया और मंगवाया, जबकि हमारी चर्चा में इस तरह की कोई बात थी नहीं,
लेकिन इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो ज्यादा डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स करने वाले जो बड़े नेता है उन्होंने अपने स्तर पर बहुत सारी चीजें मैनेज कर रखी है और केवल भीड़ बढ़ाने के जो छोटे स्तर के लघु स्तर के जो किसान संगठन इस्तेमाल कर रहे हैं साथ रखे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर पर स्थिति क्या है उपीए बताइए, इस वक्त क्या स्थिति है, क्या कूच कर रहे हैं, पुलिस उनको पड़ रही है, क्या 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 थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल है जिसपे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं? जी, ये अमृतसर की जो एक रास्ता है और एक चंडीगढ़ वाला रास्ता है, दोनों तरफ से किसान संगठन यहाँ आ रहे हैं। हालांकि अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरी इन लोगों से बात हुई, उन्होंने अपने अपने संगठनों के जरिए जो इनके ग्रुप बने हुए हैं, जो दूसरे सराउंडिंग जो बॉर्डर एरिया पे जो लोग रह रहे हैं उनको कूच करने के लिए आपस में सहमति बनाकर आगे बढ़ने की बात कही है। तो इनमें तकरीबन 500-600 ऐसे किसान हैं टोटल जो इधर आने के लिए कूच कर रहे हैं। बहुत सारे किसान अपने वाहनों से भी आ रहे हैं और कुछ पैदल मार्च कर रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए आ रहे हैं। कुछ किसान संगठन इनको आगे रास्ते में मिलेंगे, तो इनका मुख्य मकसद है दिल्ली की तरफ जाना। लेकिन जिस तरह मुझे लग रहा है ये किसान संगठन पिछले जो किसान संगठन थे और पिछले जो क्रांतिकारी इनका आंदोलन था उसकी तुलना में ये ज्यादा प्रभावी नहीं है, सिर्फ एक मार्च पास्ट या सांकेतिक, इनको ऐसा लगता है कहीं पीछे से बैकअप सपोर्ट है तो उसको निभाने के लिए, अपना वादा निभाने या उनकी बातों को रखने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन ना इनमें इतनी उग्रता है और ना इस तरह का ऐसा कोई एक्टिविटी इनकी लगती है जिससे ये किसी मामले को हल करने की ओर निकले हुए। सिर्फ जी, इनके जो मुखिया उनके निर्देशों के अनुसार ये चल रहे हैं और कभी टोल प्लाजा वाले से इनकी बदतमीजी हो रही, क्योंकि जो आने जाने वाले वाहन है, ओमप्रकाश चूंकि उनसे भी इनका मिसबिहेव हो रहा। ओमप्रकाश चूंकि आप वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत करीब से देखते हैं, मुझे ये समझाइए कि ये जो मांग कर रहे हैं किसान संगठन, कौन सी बड़ी मांगे हैं जिन पर सरकार सहमत हो चुकी है और कहां पर बात अटकी हुई है? जी, इन किसान संगठनों की प्रमुख मांग थी एमएसपी को लेकर, तो सरकार ने इनको साफ तौर पर कहा था जो प्रमुख फसलें पंजाब और हरियाणा में उगाई जाती है उनकी आप खेती करें, उनकी एमएसपी के दर पे सरकार नेफेड या एनसीसीएफ के जरिए लगातार अगले 5 साल तक के लिए एक अनुबंध के हिसाब से बातचीत करेगी और इनको खरीद करेगी, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इन किसान संगठनों में जितनी फसलें उन सभी की एमएसपी लागू करने की डिमांड की है जो व्यावहारिक तौर पर सक्षम नहीं है, मतलब सफल नहीं मानी जा सकती और न उपयुक्त है ये। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ऐसे मांगे की है कि जो पिछले बार जो आंदोलन हुआ उसमें जो किसान शहीद हो गए उनको नौकरी दी जाए, उनको मुआवजा दी जाए। इसके अलावा बहुत सारी और भी इनकी मांगे हैं जिनमें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत सरकार जो व्यापारिक समझौते करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें भी अपनी मनमानी मांगे मंगवाने के लिए सरकार पर प्रेशर डाले। इस तरह तकरीबन इनकी 12-13 ऐसी मांगे हैं जो न केवल नाजायज है बल्कि इनमें अधिकांश मांगों का किसानों से कोई सीधा सरोकार नहीं है। तो इस वजह से सरकार ने इन मांगों पर इनको पुनर्विचार करने और एक सही ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा कि जिसमें किसानों का हित भी हो और देश के हित में ये चीजें हो। तो बहुत सारी ऐसे जो इनकी मांगे रखी गई है ये गैर जायज है और इसी वजह से इस वार्ता के टेबल पर जब ये आते हैं तो ये प्रखर रूप से अपनी बात नहीं रख पाते और सरकार के सामने जब ये मुद्दा आता है तो बिल्कुल गैर व्यावहारिक लगता है। प्रकाश, ये हमको समझाने की कोशिश कीजिए कि जो सामान्य व्यक्ति है जो दिल्ली से अंबाला, अमृतसर या फिर अपने हिमाचल, जम्मू कश्मीर जाना चाहता है, वो किस रास्ते से जा रहा है, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं या उनको एकदम बिल्कुल ठप हो चुका है दिल्ली से बाहर निकलना पंजाब हरियाणा की तरफ? जी, जब से अगर मैं बात करूं दिल्ली से, तो दिल्ली में जो यह सिंघ बॉर्डर है यहाँ पर पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था और बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन किसी आमजन को और आने जाने वालों को परेशानी नहीं हो इसके लिए सरकार ने रूट डाइवर्ट कर रखा, जो आउटर एरिया जो ग्रामीण इलाका है सिंघ बॉर्डर का, उधर से होकर ये लोग चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में जहां पर भी ऐसी संभावनाएं या ऐसे किसान संगठनों की उग्रता की आशंका है वहां पे सरकार ने इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की है। लेकिन जब हम जाते हैं अंबाला की तरफ, अंबाला कैंट की तरफ, अमृतसर के रास्ते पे ये किसानों का आंदोलन का ज्यादा भीड़ और इनकी तादाद ज्यादा दिख रही है, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरी तरफ एक रास्ता चंडीगढ़ जाता है, वहां पर भी चंडीगढ़ पुलिस की तैनाती की गई है। तो वहाँ आने जाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये जो अंबाला कैंट के आगे सिंघू बॉर्डर है वहाँ पर पुलिस ने रास्ते रोक रखे हैं। लेकिन जो आने वाले जाने वाले लोग हैं वो तकरीबन 15 किलोमीटर का रास्ता डाइवर्ट करके अपने रास्ते पर, जिसको अमृतसर जाना हो अमृतसर जा रहा हूं। मैं ओपी आपको मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अर्जुन मुंडा साहब ने एक्स पर लिखा है फिर से एक बार न्योता दिया है। पहली खबर यह है कि सरकार चौथे दौर के बाद अब पांचवें दौर के सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय और एफआईआर, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं के साथ चर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं, हमें शांति बनाए रखना है। ये 8 मिनट पहले का एक्स पर दिया गया संदेश। एक बार फिर से किसान आंदोलन में जो शामिल लोग हैं उनको निमंत्रित किया गया है पांचवें दौर की वार्ता के लिए। ओपी यादव हमारे साथ बने हुए हैं और मुकुल शर्मा बने हुए हैं हमारे
संवाददाता उत्तर प्रदेश बॉर्डर से। अब ओपी, आप हमें यह समझाने का प्रयास कीजिए कि पांचवें दौर की वार्ता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी पर, आपने कहा कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था उसको किसान संगठनों ने अस्वीकार कर दिया, अब बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? जी, बातचीत के लिए सरकार ने इनको कहा था कि धान गेहूं के अलावा पांच अन्य जो फसलें उनकी एमएसपी का जो आपका प्रस्ताव उस पर हम पूरी तरह सहमत है। इसके अलावा सहकारी समितियां जो है सरकार कोऑपरेटिव के जरिए जो काम कर रही है उसमें कपास, मक्का, अरहर, उड़द और मसूर को खरीदने के लिए पूरी बाध्यता है और एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए इसमें खरीदेगी। इसके अलावा जो एनसीसीएफ, नेफेड और सीसीआई के पांच साल का जो अनुबंध है उसमें भी किसानों की मांगों के अनुसार लचीलापन रखते हुए सरकार रुख करेगी। लेकिन इन सभी बातों के विपरीत उन्होंने कहा कि हमें 23 फसलों को कवर करने वाले के एमएसपी का फार्मूला चाहिए। इसके अलावा पांच फसलों में पांच साल का जो अनुबंध है वो हमें प्रस्ताव मंजूर नहीं है। बाकी सरकारी फसलें, बाकी सरकार जो फसलें पैदा होने वाले जो अन्य किसान है, छोटे मजदूर, उनकी तरफ भी ध्यान रखे। तो इनकी जो कई सारी ऐसी मांग है जो गैर जायज है, लेकिन फिर से कृषि मंत्री ने अपनी तरफ से एक लचीलापन दिखाते हुए इनकी जो मांगे थी उनको फिर से ऐड किया है। तो उम्मीद की जाती है कि सरकार जितना सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए रख रही है, इनको भी अपना झुकाव करना चाहिए कि सरकार के साथ साथ हम संवाद करें और जो राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है और जाने जाने वाले लोगों को परेशान हो रही है, क्योंकि वो भी किसानों के वर्गों से, किसानों के परिवारों के लोग आते जाते रहते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि जिस तरह सरकार बहुत सारी चीजों को लेकर सॉफ्ट होती जा रही है, उसके बाद इन किसानों को भी नजरिया अपना बदलने की जरूरत है। लेकिन ओम प्रकाश, ये तो पांच मुद्दे हैं जिन पर, और सभी मुद्दे ये कह रहे हैं कृषि मंत्री, और एक सबसे जिम्मेदार माने जाते हैं किसानों के मुद्दों पर कृषि कल्याण के मंत्रालय की जो मुखिया हैं अर्जुन मुंडा साहब, किसानों की कितनी मांगे हैं जिनको रखा जाना है सरकार के सामने? ये तो कह रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का मुद्दा, FIR, MSP, सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान अपनी तरफ से कितनी मांगे रख रहे हैं? किसानों की कई सारी मांगे जिनमें प्रमुख मांगे MSP, जो MS स्वामीनाथन का जो MSP को लेकर सरकार को सुझाव दिया था, ठीक है, सरकार ने अधिकांश चीजें मांग ली, उनमें बहुत सारी चीजें थी जिनमें भी सरकार ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा, लेकिन इनकी जो कुछ चीजें हैं जिन पर इनको आंशिक सहमति बनाने की जरूरत है, वो सरकार की तरफ से इनको बताया गया कि आप जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, उसमें लचीलापन रखा जाएगा। सरकार की तरफ से बहुत सारी जो फसलों के जो नुकसान हो जाते हैं क्रॉप सोइंग के दौरान, उसके बाद उसकी गारंटी को भी सरकार ने ऑलरेडी लागू कर रखा, लेकिन उसमें भी और बढ़ावा देने की जरूरत थी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमें मनरेगा में ज्यादा मजदूरी चाहिए, जो काम के दिन ज्यादा चाहिए, तो उसमें भी सरकार ने कहा कि कमेटी तय की जाएगी और वो कमेटी गठन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा कितने दिन इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने जो PM किसान सम्मान निधि जिसमें 2000 रुपए मिलते हैं साल के, 6000, तो इसको डबल करने की इन्होंने मांग रखी है। इसके अलावा इन्होंने 10000 रुपए पेंशन की मांग रखी। तो बहुत सारी चीजों पे सरकार ने इनको कहा कि कमेटी बना के निर्णय लिया जाता है, एकदम से कोई निर्णय होता नहीं है, आपकी मांगों को हम ठुकरा नहीं रहे, आपकी मांगों के अनुसार एक कमेटी के निर्णय के बाद हम उसको घोषित करेंगे और उसमें आपके भी लोग होंगे और सरकार के भी लोग होंगे, तो सारी बातें सहमति के जरिए होगी। लेकिन किसान संगठन इस बात पर तत्काल निर्णय लेना चाह रहे हैं और यही वजह की जो पेट फंसा हुआ वो तत्काल निर्णय नहीं होने की वजह से फंसा हुआ। तो आप व्यावहारिक तौर पर अगर देखेंगे तो सरकार में कोई भी निर्णय होता है उसमें कई तरह की वार्ताएं होती, कई कमेटियां होती, विशेषज्ञ होते हैं, उसमें सरकार के और किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और उसके बाद एक निर्णय ठोस लिया जाता है जिसका दूरगामी परिणाम निकलता है। कि सरकार ने जो कहा है उसमें किसान थोड़ा डिले कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई इसमें कोई लचीलापन होने के बाद कोई रुकावट नहीं होगी। ओपी, अब अंतिम सवाल आपसे इस बुलेटिन में, मैं ये समझना चाहता हूं, पहली बात को एमएसपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आंकड़ा कहता है कि देश में केवल 6% किसान हैं जिनको देश की वर्तमान एमएसपी व्यवस्था का फायदा मिलता है, बाकी 94% को नहीं मिलता है। उसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए कि जो किसान हमें दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, किसी के पास 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं जिन पर बैठ करके वो लद करके आए हैं, 10-12-15 लोग एक गाड़ी पे, शक्ति प्रदर्शन ज्यादा दिख रहा है। तो ये जो एमएसपी का मुद्दा है, कहीं आपको बिल्कुल हवा हवाई मुद्दा तो नहीं नजर आ रहा, और ये देखते हुए कि ये कहीं से किसान नजर नहीं आ रहे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, किसान एमएसपी के मुद्दे को सिर्फ इस मुद्दे की आड़ में अपनी जो मांगे हैं उनको मंगवाना चाह रहे हैं। उनका समर्थन मूल्य की गारंटी देने पर सरकार ने उसको पहले ही यस कर दिया कि जो प्रमुख फसलें आपकी 4-5 है उस पर हम आपके साथ हैं। इसके अलावा जो मुकदमे वापस लिए जाए उस पर भी सरकार ने आंशिक सहमति जता दी है। इसके अलावा जो लखीमपुर खीरी के मामले में दोषियों को सजा दी जाए उस पर किसानों ने सरकार से मांग रखी। सरकार ने कहा इस पर कानूनी तौर पर प्रक्रिया जारी है और न्यायालय अपने तरीके से निर्णय लेगा और सरकार अपनी तरफ से उसके निर्णय के बाद फॉलोअप करेगी। तो इसमें सरकार का कोई ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि जो प्रक्रिया विचाराधीन है उसमें सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। इसके अलावा किसानों ने प्रदूषण के लिए कानून
बनाने के मामले से किसानों को अलग रखा जाए, उसमें भी सरकार ने कहा कि एक जनमानस से जुड़ा मुद्दा, उसमें संवेदनशीलता आप रखेंगे, लेकिन एक तरफा निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर व्यक्ति इससे परेशान है। इसके अलावा किसानों ने कर्जा माफ करने के लिए भी सरकार पे दबाव बनाया, तो सरकार ने कहा कि समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कर्जा लेते हैं। और जो बड़े जो किसान, आपने जैसा जिक्र किया कि ओडी मर्सिडीज और इस तरह की गाड़ियां लेकर आ रही है, ये किसान संगठनों की सिर्फ मुखिया है, खेती इनके नहीं है, इनके फार्म हाउस हो सकते हैं, इनके अधिकांश बच्चे विदेशों में ऑस्ट्रेलिया कनाडा में रहते हैं। और जो पहले खबरें आ रही थी कि इनको बाहर से फंडिंग मिल रही है, तो राष्ट्र स्वाभिमान अपना एक अलग तरह का इन्होंने बना रखा है जो देश के खिलाफ चल रहा है। और यही वजह कि ये लोग पॉलिटिकली मॉडिफाइड व्यक्ति और दूसरे राजनीतिक दलों के एजेंडे के आधार पर काम करते हैं। इन्होंने विद्युत संशोधन विधेयक 2020 जो भारत सरकार ने लागू किया उसको रद्द करने की मांग की थी, उसके अलावा किसानों को खेती और मजदूरों को पेंशन देने की बात की थी। तो ये बिखरे हुए जो सेक्टर है जिसमें छोटे मझोले किसान है, उनका कहीं काउंटिंग नहीं है, और ये पेंशन ये वही लोग लेने के हकदार बन जाते हैं जो नेतागिरी करते हैं और खेती नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं जो इनकी मांगे हैं वो केवल उनके सीमित वर्ग के लिए, न कि छोटे और मझोले किसानों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ओपी यादव, आपकी बड़े वर्ग के लिए ये मांगे नहीं है, ये सिर्फ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो कुछ मांगे हैं जिन पर सरकार फैसला भी लेती है और उसके बाद अभी भी राजनीति जारी है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिलहाल शुक्रिया इस बुलेटिन में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के ऊपर उस पार खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज़।